अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, जो आज का आई मेकअप ट्यूटोरियल है, फुल मेकअप है, वो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैंने प्राइमर अप्लाई किया है, विट ई का जो प्राइमर था वो अप्लाई किया, हुदा ब्यूटी की ये जो हांडी बेस जिसे बोलते हैं ये मैं अप्लाई कर लूँगी। इसको मैंने अप्लाई कर लिया अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। आप ब्यूटी ब्लेंडर को गीला कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद इसको फेस पर अप्लाई कर दें और डैप डैप करके आपने जो है बेस को, जो है जो भी आप बेस लगा रहे हो उसको आपने ब्लेंड कर देना। ठीक है, तो अब मैंने जो है ब्लेंड कर लिया है। अब मैं थोड़ी सी और लूँगी हुदा ब्यूटी की ये जो बेस है, ठीक है, इसको जो है मैं अपनी आई पे अप्लाई करूँगी। उसको मैंने आई पे अप्लाई कर लिया, उसके बाद मैं अपने आईब्रो फिल कर दूँगी इस पेंसिल के साथ। ये मैंने अपने आईब्रो फिल कर लिया, आप देख सकते हैं कितने डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद ये जो है मैंने शेड लिया, उसमें से मैंने ब्राउन शेड लिया। ठीक है, अब मैं इसको जो है अपनी क्रीज लाइन पे इसको अप्लाई करूँगी और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी। आपने कोई भी ब्रश ले लेना है, जो ब्लेंडिंग ब्रश होते हैं, मेरे पास जो है बॉबी ब्राउन के ब्रशेस हैं, तो मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ। तो मैंने दोनों आइज़ को जो है अपनी क्रीज लाइन जो है मैंने उसको जो है ब्लेंड आउट कर ली है। अब मैं ले रही हूँ ये ग्लैमर की जो है मेरे पास ग्लिटर, आप देख सकते हैं, तो ये वाली जो शेड है मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। तो ये जो है एक पार्टी मेकअप है, अगर आप किसी वेडिंग पे जा रहे हैं तो इसको वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये सिंपल सा है, बिल्कुल इजी है ये। तो एक ब्लैक शेड थोड़ी सी मैं लूँगी और उसको जो मैं अपने आउटर भी जो हमारा एरिया है उस पर मैं अप्लाई कर दूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी क्रीज लाइन की तरफ, हाफ क्रीज लाइन की तरफ इसको ले जाऊँगी और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करती जाऊँगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो जहाँ पे आपकी क्रीज लाइन हो उसके हाफ पे ही आप ब्राउन शेड अप्लाई करें या ब्लैक करें। ये 5-in-1 का हाइलाइटर है, इसमें से ये मैंने शेड लिया है, इसको जो है मैं अपनी ब्रो बोन पे अप्लाई करूँगी। अब जो है मैंने सिल्वर कलर का जो हाइलाइटर लिया है उसको जो है अपने इनर कॉर्नर पे मैं अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से और इसको ब्लेंड कर लिया है हल्के हाथ से। ठीक है, तो ये कर लेना है हमने। अब मैंने लेनी है ये ऑरेंज शेड, लाइट ऑरेंज शेड इसको बोल सकते हैं, तो इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने लोअर लैश एरिया पे। ठीक है, तब देख सकते हैं मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया, मैक का मस्कारा था, ये आई लैशेस थी 3D की और ये रोमांटिक पैलेट में से मैं ब्लश ऑन लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैं ये वाला जो है ब्लश ऑन, ये वाला डार्क वाला इसको अप्लाई करूंगी। मुझे डार्क ब्लश ऑन पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं आप ऐसे अपने स्माइल करें और जो है उस हिसाब से आप ब्लश ऑन अप्लाई कर लें। आप देख सकते हैं कि ये चीक्स जो हैं पिंक पिंक सी हो गई हैं। अब ये जो हाइलाइटर हैं दो, इसमें से ये वाला हाइलाइटर लूँगी मैं, तो इस ब्रश के साथ इस हाइलाइटर को अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद जो हम चीक्स को हाइलाइट कर लूँगी, अपनी नोज़ को हाइलाइट कर लूँगी और उसके बाद जो है थोड़ा सा हम लिप्स के ऊपर वाला जो ऊपर वाला लिप्स होता है वहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। तो ये वाली जो पेंसिल है, लोकल पेंसिल है, मेरे पास 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो ये वाली शेड, लाइट शेड हमने अप्लाई करनी है। जाहिर सी बात है आई मेकअप डार्क हो तो हमने जो है लाइट शेड ही अप्लाई करनी है। तो थोड़े से मैंने बालों को कर्ट कर लिया था, तो उम्मीद करती हूँ मेरी लुक आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी लुक अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए कि आपको कौन सी वीडियोज़ देखनी है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।